trial and condemnation of the philosopher Socrates and drink the poison hemlock. Charged with corruption of the youth and refusing to recognize the accepted gods of the state. अगर हम सोक्रेटिस की लाइफ की बात करें तो सोक्रेटिस का जन्म होता है एंशियंट ग्रीस में 470 बीसी को और इनकी डेथ होती है एथेंस में 399 बीसी को। सोक्रेटिस की वाइफ का नाम था जेंथिपे, वहीं इनके पिता का नाम था सोफ्रेनिकस और माता का नाम था फिनरिथी। सोक्रेटिस क्लासिकल ग्रीक फिलोसॉफी के पायनियर माने जाते हैं, वहीं सोक्रेटिस को वेस्टर्न फिलोसॉफी का फादर भी कहा जाता है। सोक्रेटिस फर्स्ट ग्रीक मॉरल फिलोसोफर रहे हैं। सोक्रेटिस के कुछ नोटेबल स्टूडेंट्स रहे हैं जिनमें कुछ नाम आते हैं, प्लेटो का, जेनोफेन का, एंटिस्थनीज का, एरिस्टोपस का, एल्कवाइडिस का, क्रिटियाज का एंड क्रिटो का। इससे पहले कि हम सोक्रेटिस की फिलोसॉफी एंड आइडियाज को डिस्कस करें, सबसे पहले हम सोक्रेटिस की लाइफ से जुड़े कुछ किस्से और कहानियों को समझते हैं। सोक्रेटिस एथेंस के निवासी थे। उस समय ग्रीक में अनेकों सिटी स्टेट्स थे जिनमें से एथेंस एंड स्पार्टा फेमस थे। एथेंस एक रिलीजियस स्टेट था, वीक था, करप्ट था, जबकि दूसरी तरफ स्पार्टा काफी डेवलप, रियलिस्टिक और वॉरियर स्टेट था। एथेंस को डेवलप करने व रियलिस्टिक स्टेट बनाने के लिए तथा करप्शन को खत्म करने के लिए सोक्रेटिस ने यूथ को इंस्पायर करना, टीच करना शुरू किया। सोक्रेटिस ने यूथ को क्वेश्चनिंग करने को कहा। उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं उनको गॉड से लेकर पॉलिटिक्स, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज को क्वेश्चन करना चाहिए। सोक्रेटिस अक्सर कहा करते थे कि नॉलेज के लिए तुम पैसा, टाइम को सब कुछ लगा दो। वे अक्सर कहा करते थे कि जीने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए जियो। और उनका कहना था कि जनता बीमार है, अतः हमें डॉक्टर यानी कि शासकों का इलाज करना चाहिए। उस समय सोक्रेटिस ने अपने आइडियाज, अपनी नॉलेज से एथेंस में एक न्यू कॉन्शियसनेस को डेवलप किया। एथेंस की जो करप्ट शासन व्यवस्था है उसको हिलाकर रख दिया। लेकिन एथेंस के जो करप्ट पॉलिटिशियन हैं और जो इग्नोर पीपल थे, उन्होंने सोक्रेटिस के ऊपर ट्रायल चला दी। और ट्रायल की वजह थी देशद्रोह और एथेंस के जो गॉड है उसको चैलेंज कर यूथ को नास्तिक बनाना। ट्रायल एंड कंडेमनेशन ऑफ द फिलोसोफर सोक्रेटिस, चार्ज विद करप्शन ऑफ द यूथ एंड रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज द एक्सेप्टेड गॉड्स ऑफ द स्टेट। सोक्रेटिस के ऊपर 501 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 263 लोगों ने सोक्रेटिस के अगेंस्ट वोट किया, वहीं 234 लोगों ने सोक्रेटिस के पक्ष में वोट किया और 4 वोट एब्सटेंशन यानी कि किसी भी पक्ष में ना पड़े। We will begin the vote now. What is the count? Against Socrates 263, for Socrates 234. ऐसी स्थिति में सोक्रेटिस के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ये था कि उनके ऊपर जो झूठे आरोप लगे थे उनको मानकर देश से निकल जाना, और दूसरा ऑप्शन था हेमलॉक नामक जहर को पीकर अपनी जान देना। लेकिन सोक्रेटिस ने सेकंड ऑप्शन को चूज किया और सत्य के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और मरकर भी हमेशा के लिए अमर हो गए। जब सोक्रेटिस को मृत्युदंड दिया गया तो प्लेटो बहुत चिंतित थे। प्लेटो ने जेलर और जो सीमा में तैनात व्यक्ति थे उनको रिश्वत दी और सोक्रेटिस को जेल से बाहर निकालने की योजना बनाई। प्लेटो रात के अंधेरे में घुसे और सोक्रेटिस से कहा कि सर चलो जेल से भाग जाते हैं और ग्रीस को छोड़ देते हैं, इस तरह से आपकी जान बच जाएगी। तो इसके जवाब में सोक्रेटिस ने जो प्लेटो से कहा वह सुनने लायक है। सोक्रेटिस ने कहा, प्लेटो अगर मैं जेल से भाग जाता हूँ तो मेरा शरीर अवश्य बच जाएगा, परंतु मेरे आइडियाज, मेरी सॉल मर जाएगी, और मेरे लिए आइडियाज और सॉल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे मैं नहीं मार सकता हूँ। सोक्रेटिस कितने ज्ञानी और साहसी थे इसका पता इस बात से लगाया जाता है कि सोक्रेटिस मरने के जब करीब थे तो बाहर हेमलॉक नामक जहर पीसा जा रहा था। सोक्रेटिस के मित्र और स्टूडेंट्स सभी रो रहे थे। सोक्रेटिस ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? सोक्रेटिस के जो मित्र हैं उन्होंने कहा कि हम रोए क्यों ना, कुछ क्षण बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी।
तो सोक्रेटिस ने कहा, पागलो, मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन पैदा हुआ था। अब रोने से क्या फायदा है? मेरा मरना तो जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। सोक्रेटिस ने कहा कि अगर रोना है तो स्वयं के लिए रो, मेरे लिए क्यों रो रहे हो? सोक्रेटिस ने आगे कहा कि बाहर जाओ और देखो कि क्या जहर तैयार हुआ। सोक्रेटिस स्वयं बाहर जाते हैं और जहर पीसने वाले से पूछते हैं कि जहर तैयार हुआ कि नहीं हुआ। समय निकला जा रहा है, 6 बजे जहर देना है, अभी तक जहर तैयार नहीं हुआ। जहर पीसने वाले ने कहा, मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को जहर दिया लेकिन तुम जैसा पागल नहीं देखा। हम सोच रहे थे कि थोड़ी देर लगाई जाए ताकि तुम थोड़ी देर और जियो, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें मरने की? सोक्रेटिस ने कहा कि जल्दी कुछ भी नहीं है, लेकिन जिंदगी बहुत देख चुके हैं, अब मौत को भी देखने का इरादा है। जिंदगी बहुत देख ली, अब मौत की कहानी देखते हैं, अब मौत पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसलिए बड़ी उत्सुकता है कि ये फिल्म खत्म हो और नई फिल्म शुरू हो। सुकरात को जहर दे दिया गया और सुकरात जहर को ऐसे पी रहे थे मानो अमृत हो। जहर पीते पीते सोक्रेटिस बातें कर रहे थे, चेहरे पर वही शांति, वही ग्लो, वही खुशी थी जो हमेशा होती थी। माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑफ माय बिलोव्ड सिटी ऑफ एथेंस, ग्रांट मी दिस प्रेयर। एक बार सोक्रेटिस की वाइफ ने सोक्रेटिस की फेस पर खौलता हुआ पानी डाला। सोक्रेटिस का चेहरा पूरी तरह से जल गया था। सोक्रेटिस ने अपना मुंह धोया, दवाई लगाई और सोक्रेटिस हंस रहे थे। तो सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा, सर आपका पूरा चेहरा जल गया है फिर भी आप हंस रहे हैं। तो सोक्रेटिस ने कहा कि हाँ, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मेरे चेहरे की दूसरी साइड बच गई है। एक बार सोक्रेटिस के पास एक युवक आता है और युवक सोक्रेटिस से पूछता है कि सर आप मुझे बताइए कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप इतने बड़े फिलोसोफर हैं लेकिन फिर भी आपके अपनी पत्नी के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं है, आप दोनों के बीच लड़ाई होती है। तो सोक्रेटिस ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम शादी कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी तो तुम्हें सुख मिलेगा और अगर नहीं मिलेगी तो तुम फिलोसोफर बन जाओगे। सिसरो ने सोक्रेटिस के बारे में कहा है कि सुकरात दर्शन शास्त्र को आकाश से उतार कर जमीन पर लाया, उसे कस्बों में स्थापित कर दिया, उसका घर में प्रवेश करा दिया और दार्शनिकों को मजबूर कर दिया कि दर्शन, जीवन, नैतिकता, अच्छाई व बुराई की छानबीन करें। वहीं दूसरी तरफ ब्रेटन रसल जैसे महान विचारक ने यह कहा कि मानवता उसी दिन मर गई थी जिस दिन सोक्रेटिस को जहर दिया गया था। अब हम सोक्रेटिस के आइडियाज को, उनकी टीचिंग्स को, उनकी फिलोसॉफी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इनकी फिलोसॉफी को अच्छे से डिस्कस करें, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सोक्रेटिस ने कोई भी बुक नहीं लिखी। इनके बारे में जितनी भी हमें जानकारी मिलती है वो प्लेटो की राइटिंग से, जेनोफन की राइटिंग से और एरिस्टोफेन की राइटिंग से मिलती है। प्लेटो ने अपने मैक्सिमम आइडियाज को अपने गुरु सोक्रेटिस से ग्रहण किया और सोक्रेटिस के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी। इनकी जितनी भी बुक्स रही है द लॉज को छोड़ के, उनके हीरो यानी कि मेन करेक्टर सोक्रेटिस ही रहे हैं। सोक्रेटिक डायलॉग्स डायलॉग्स की सीरीज है जिसको प्लेटो और जेनोफेन ने लिखा है। इसमें सोक्रेटिस के डिफरेंट आइडियाज, थॉट्स के डिस्कशन को उनके स्टूडेंट्स के साथ दर्शाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अपोलॉजी फर्स्ट बुक है रिलेटेड सोक्रेटिस डेथ। इसमें सोक्रेटिस के ट्रायल का मार्मिक वर्णन है और खास बात यह है कि इसी बुक को महात्मा गांधी ने गुजराती में सत्यवीर की कथा के रूप में ट्रांसलेट किया था, जिसमें इन्होंने सोक्रेटिस को सत्यवीर कहा था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका पूरा टाइटल द अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस है। प्लेटो ने इसमें सोक्रेटिस के जो आखिरी डिस्कशन था क्रिटो, फाइदो और जो यूथोफ्रो है उनके साथ, उसको दर्शाया है। चार्मडीज में प्लेटो ने चार्मडीज के साथ सोक्रेटिस के जो आइडियाज है उसको डिस्कस किया है, जैसे नो योर सेल्फ, और इसमें सोक्रेटिस ने चार्मडीज को आत्मज्ञान दिया है। वहीं दूसरी तरफ मीनो में मीनो के साथ सोक्रेटिस ने वर्चू और फॉर्म्स ऑफ नॉलेज के बारे में बताया है। द सिंपोजियम में प्लेटो ने बताया है कि किस प्रकार सोक्रेटिस ने एक्लिवाइडीज और एरिस्टोफेन के साथ लव एंड ब्यूटी को डिफाइन किया है। वहीं दूसरी तरफ क्रिटो में सोक्रेटिस के डेथ को एक्सप्लेन किया गया है।
साथ में ये भी बताया गया है कि किस तरह से सोक्रेटिस ने क्रिटो के साथ आखिरी डिस्कशन किया था। परमेंडीज में प्लेटो ने यह बताया है कि किस तरह से सोक्रेटिस ने थ्योरी ऑफ आइडिया को डिस्कस किया है परमेंडीज व जीनो के साथ। वहीं दूसरी तरफ फाइदो में सोक्रेटिस के डेथ के साथ साथ सोक्रेटिस के सॉल कॉन्सेप्ट के बारे में जो लास्ट डिस्कशन है उसको मेंशन किया गया है, जिसमें सोक्रेटिस ने ये कहा कि सॉल इमोर्टल है। इसमें सोक्रेटिस ने अपने फ्रेंड्स जिनके नाम थे थेवंस, सीव्स एंड सिमियाज, उसके साथ इन्होंने सॉल यानी कि जो आत्मा है उसकी अमरता का वर्णन किया है। वहीं टीमियस में प्लेटो ने ये बताया है कि किस तरह से सोक्रेटिस क्रिटियाज व टीमियस के साथ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें यूनिवर्स के बारे में बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलेबस में फोकस किया गया है एथिक्स एंड गुड लाइफ के ऊपर। ये बेसिकली एक सोक्रेटिक डायलॉग है। इसमें सोक्रेटिस के फिलेबस व प्रोटार्गस के साथ एथिक्स व गुड लाइफ के डिस्कशन को दर्शाया गया है। अपनी विचारों की लड़ाई में सोक्रेटिस का सामना सबसे पहले सोफिस्ट से होता है। 500 BC में एथेंस में लोकतंत्र एस्टेब्लिश हुआ, तो वहां पर विचार की स्वतंत्रता आई। इसी फ्रीडम ऑफ थॉट की वजह से एथेंस में सोफिस्ट्स पैदा हुए। सोफिस्ट्स भ्रमणशील शिक्षक थे जो कि गैर यूनानी थे, अतः इन्हें मैटिक्स कहा जाता है। यूनानी स्वयं को हेलेनिक कहते थे। सोफिस्ट पैसे के बदले युवाओं को पढ़ाते थे, उन्हें भाषण कला सिखाते थे। फेमस सोफिस्ट्स हुए हैं जिनके नाम थे प्रोटागोरस, जॉर्जियास एंड थ्रेसिमेकस। सोफिस्ट ह्यूमनिस्ट थे क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस मनुष्य पर किया। जैसा कि प्रोटागोरस ने कहा भी था कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है, और इसी वजह से सोफिस्ट्स को प्रथम व्यक्तिवादी भी कहा जाता है। सोफिस्ट्स ने रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ यानी कि सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इसमें ये माना जाता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत, विचार, अवधारणा, नियम हम हर स्थिति, हर समय, हर जगह सर्वमान्य नहीं मान सकते हैं। सोक्रेटिस और सोफिस्ट में बहुत बड़ा अंतर था, यानी कि दोनों में डिफरेंसेस थे। पहला डिफरेंस ये था कि सोक्रेटिस कभी भी पैसे के लिए नहीं पढ़ाते थे, दूसरी तरफ सोफिस्ट पैसे के लिए पढ़ाते थे। और दूसरा बड़ा डिफरेंस ये था कि सोफिस्ट स्वयं को बुद्धिमान कहते थे, फिलोसोफर कहते थे, जबकि सोक्रेटिस ने कभी भी स्वयं को बुद्धिमान नहीं कहा, ज्ञानी नहीं कहा, फिलोसोफर नहीं कहा। सोक्रेटिस ने कहा था कि दार्शनिक कौन है जो प्रज्ञा यानी कि बुद्धिमता से प्रेम करता हो। दार्शनिक वह है जो बहुत कम जानता है, इसलिए दार्शनिक को निरंतर सच्ची अंतर्दृष्टि पाने का प्रयास करना चाहिए। सोक्रेटिस कहते हैं कि वह दुनिया और लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और एथेंस में सोक्रेटिस ही केवल ऐसा व्यक्ति था जो ना तो खुश था ना दुखी था, बस यह जानता था कि वह कुछ भी नहीं जानता है, जो कभी भी हार नहीं मानता था और हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता था। Is any man wiser than Socrates? No man is wiser than Socrates. सोफिस्ट्स ने रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ की बात की, जिसमें ये माना जाता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जबकि सोक्रेटिस का ये मानना था कि डायलेक्टिक मेथड के द्वारा एब्सोल्यूट यानी कि परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। सोफिस्ट्स कहते हैं कि नॉलेज सेंसेस से आती है, जैसे आईज, ईयर, टचेज। वहीं सोक्रेटिस कहते हैं कि नॉलेज कम्स फ्रॉम कंसेप्ट, रीजन और विजडम। सोक्रेटिस का पहला आइडिया है नो योरसेल्फ। सोक्रेटिस कहते हैं कि स्वयं को जानो। सोक्रेटिस का मानना था कि तुम पूरा जीवन स्वयं को जानने में लगा दो। चार्मडीज में सोक्रेटिस ने चार्मडीज को आत्मज्ञान दिया। सोक्रेटिस कहते हैं कि अपने अंदर गहरे तक जाना, जो कुछ है अंदर है और उसका प्रयोग करना, कॉमन विजडम को यूज करो। सोक्रेटिस ने फेमसली कहा था कि टू फाइंड योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ। सोक्रेटिस का दूसरा आइडिया है नॉलेज थ्योरी। इसमें सोक्रेटिस कहते हैं कि वर्चू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्चू। इसमें सोक्रेटिस ने एपिस्टेमोलॉजी, मेथड ऑफ डाउट, क्वेश्चनिंग की बात की है। सोक्रेटिस कहा करते थे कि प्रत्येक चीज़ को डाउट करो और तब तक क्वेश्चन करो जब तक ट्रूथ ना मिले, अल्टीमेट नॉलेज ना मिले। We use the Socratic method here. Ask you a question and you answer it. Questioning, answering, questioning, answering. My classroom, there is always another question to follow your answer.
सोक्रेटीज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया आता है डायलेक्टिक मेथड। सोक्रेटीज ने ही सबसे पहले डायलेक्टिक मेथड को यूज किया था, जिसका मतलब होता है क्वेश्चनिंग के द्वारा ट्रूथ तक पहुंचना। जो आधी नॉलेज वाले होंगे, जिनको ज्ञान का अभिमान होगा, वे खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे। डायलेक्टिक मेथड से नॉलेज को गेन किया जा सकता है। सोक्रेटीज का फोर्थ आइडिया आता है एथिक्स एंड मोरालिटी। सोक्रेटीज ही ऐसे पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने फिलोसॉफी में एथिक्स को इंट्रोड्यूस किया। वहीं सोक्रेटीज का अगला आइडिया आता है ऑब्जेक्टिविटी। सोक्रेटीज कहते हैं कि सत्य वह है जो सबके लिए हो, ना कि किसी एक के लिए। इसलिए नॉलेज ऑब्जेक्टिव होती है, ना कि सब्जेक्टिव होती है। सोक्रेटीज का अगला आइडिया है कॉन्सेप्ट। सोक्रेटीज कहते हैं कि रियल नॉलेज ही कॉन्सेप्ट होती है, ना कि परसेप्शन होती है। जबकि सोफिस्ट्स कहते हैं कि परसेप्शन यानी कि सेंस से प्राप्त नॉलेज ही रियल होती है। बट सोक्रेटीज कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ही रियल होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को विजडम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे आंखों से देखा और कानों से सुना झूठ हो सकता है, सो डोंट बिलीव इन सेंसेस। सोक्रेटीज ने कहा था, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। सोक्रेटीज का अगला आइडिया आता है सोक्रेटिक आयरनी। सोक्रेटीज इसमें अज्ञानी होने का नाटक करते थे, जिससे वे दूसरों की सोच की दुर्बलता को उजागर करते थे, जिसे सोक्रेटिक आयरनी कहा जाता है। वहीं इनका अगला कॉन्सेप्ट आता है सोक्रेटिक मेथड, जिसको कि सोक्रेटिक एलेंकस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि बार बार आमने सामने से सवाल पूछना। और इन्होंने रिजेक्ट किया टिरनी ऑफ डेमोक्रेसी को। इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी बेवकूफों की सरकार होगी, क्योंकि आम जनता समझदार नहीं होती है। सोक्रेटीज का अगला कॉन्सेप्ट आता है केव एंड एलेगरी का। इसमें सोक्रेटीज ने दो प्रकार के वर्ल्ड की बात की है। पहला वर्ल्ड है वर्ल्ड ऑफ बीइंग, जो कि नकली है, जो आम लोगों की दुनिया है। और दूसरा वर्ल्ड है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जो कि ऐसे लोगों का वर्ल्ड है जिन्होंने सत्य को जान लिया है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है। लिंक आपको वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोक्रेटीज का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जस्टिस थ्योरी। प्लेटो ने द रिपब्लिक में सोक्रेटीज के जस्टिस को एक्सप्लेन किया है। इसका पूरा टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। इसमें प्लेटो लिखते हैं कि सोक्रेटीज अपने स्टूडेंट के साथ किस तरह से जस्टिस को डिस्कस करते हैं। सोक्रेटीज क्वेश्चन पूछते हैं कि न्याय क्या है, जस्टिस क्या है। सेफेल्स कहते हैं कि सत्य बोलना और कर्ज चुकाना न्याय है। पॉलीमार्कस कहते हैं कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग देने में है जो उसके लिए उचित है। वहीं थ्रेसिमैक्स कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। थ्रेसिमैक्स आगे लिखते हैं कि अन्याय न्याय से अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ ग्लूकोन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है। एडिमेंट्स कहते हैं कि न्याय कमजोरों की आवश्यकता है। लेकिन सोक्रेटीज इन सभी तथ्यों को रिजेक्ट कर देते हैं। सोक्रेटीज कहते हैं कि न्याय आत्मा के अंदर की वस्तु है। न्याय यूनिवर्सल मॉरल कॉन्सेप्ट है। न्याय मानवीय सद्गुण है। Upon drinking the poison, my body will remain here, but my soul will go to the joys of the blessed. And my beliefs are my being. You have brought the poison. May my journey prosper now from this to that other world.